हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल तो हम डिस्कस कर रहे थे शाह मीर डायनेस्टी शाह मीर डायनेस्टी हमने डिस्कस की थी शाह मीर डायनेस्टी इट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ कश्मीर तो आज हम डिस्कस करेंगे शाह मीर डायनेस्टी का एक सबसे प्रोमिनेंट रूलर सबसे ग्रेट रूलर दैट इज सुल्तान जेन उलाब्दीन टाइम पीरियड जो है इसको याद कर लीजिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स शाह का जैन इस हालसो नोन अकबर ऑफ कश्मीर जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका पीएससी का है यूपीएससी का है और ऑफ कोर्स आपके एस वाले भी पूछते हैं अकबर ऑफ कश्मीर दैट इज जैन दिन ओके सो अभी तक हमने डिस्कस किया शुरू से हमने डिस्कस किया दैट इज कारकोटा डायनेस्टी कारकोटा डायनेस्टी के बाद हमने डिस्कस किया उत्पाल डायनेस्टी उसके बाद हमने डिस्कस किया लोहारा डायनेस्टी लोहारा डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था गुप्ता डायनेस्टी देन हमने डिस्कस किया इसी दौरान जो है हमने डिस्कस किया बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर डिस्कस किए रिंचन रिंचन ऑफ लोहारा डायनेस्टी देन कोटा रानी देन रानी दिता रानी दिता जो है ये बिलोंग करती थी

parsha by his subject by his people okay so main source to study his time period is rajatarangini but there is a difference there is a not rajatarangini of kalhan this rajatarangini was written by jona raja that is why one of the reason it is known as rajatarangini dvitiya okay dvitiya dusri rajatarangini by jona raja and rajatarangini tritiya by shrivar Okay, according to these texts, his empire extended over Gandhar, that is Afghanistan, Madara land, that was Punjab, Sindh region, northwest frontier, and if and in fact, Rajpuri or Rajpura or Rajouri. Okay, Sultan Zainul Abdin was the greatest ruler of Kashmir, no doubt about that. He was one of the greatest rulers of medieval India. Medieval India was the greatest ruler. Hai. And why he was greatest? He was known for his secular.

रिलीजियस टॉलरेशन रिलीजियस टॉलरेशन की वजह से ही mind, इंडिया में जो हैं दो, प, पैन इंडिया लेवल में दो लोग जो हैं जिनके नाम के साथ हम प्रिफिक्स जो हैं वो ग्रेट लगाते हैं दैट इज वन इज अशोक द ग्रेट अशोक द ग्रेट अशोक द ग्रेट एंड अदर इज अकबर द ग्रेट वाई बोथ फॉर रिलीजियस टॉलरेंट एंड जेन वॉज आल्सो द ग्रेटेस्ट ओके

बड़ा पॉलिटिकल अगर मिडिवल टाइम पीरियड में रहा हुआ है दैट वाज जैनुल आबदीन जैनुल आबदीन बहुत पॉपुलर था बहुत फारसाइटेड था बहुत ही ब्रॉडर आउटलुक थी इसकी टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी ओके ही स्टिल नोन एज बादशाह बाय द कश्मीरीज ओके सो वट इज इम्पोर्टेंट इन दिस लेक्चर दैट इज लेक् रिलीजियस पॉलिसी ऐसे हम रिलीजियस भी डिस्कस करेंगे कल्चर भी डिस्कस करेंगे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों करेंगे ठीक है सो so मैंने रिलीजियस uh, पॉलिसी को सबसे ऊपर रखा हुआ है क्योंकि रिलीजियस पॉलिसी से ही क्वेश्चन आते हैं देन कल्चरल कंट्रीब्यूशन कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी उसकी रिलीजियस आउटलुक दिखाती है देन मिलिट्री अचीवमेंट ही वॉज नॉट अ ग्रेट वॉरियर लेकिन फिर भी कुछ एक दो लड़ाईया इसने लड़ी देन एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिस्कस करते हैं

जिसकी वजह से क्या हुआ था कश्मीर में जो है बड़ी सारी लोगों की जो है वो माइग्रेशन हो गई थी कश्मीर में देर जो minorities minorities power, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ओके बड़े सारे स्ट्रक्चर्स भी डिमोलिश हो गए okay? हो थे अंडर सच कंडीशन जैन बिकेम द रूलर ओके सो कश्मीर एट दैट टाइम प्रेजेंटेड पिक्चर ऑफ स्पेक्टेकल ऑफ सारो On the domestic front, so everyone was not happy. The whole socio religious setup of Hindus was in the state turmoil. Hindus were very the. They were forbidden to perform their religious ceremonies and custom. To unko thi. they were not given permission to perform their religious rituals. The main so the main aim of Zainul Abdin was to restore the confidence of his non-Muslim subject. This... he He caused complete religious freedom. He gave proper religious freedom. freedom. gave proper General invitation was given to Brahmins who had been banished उसने बोला वापिस आओ द गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड स्कीम फॉर दे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन तो इसके टाइम पीरियड में दोबारा से जो कश्मीरी ब्राह्मण थे कश्मीरी पंडित थे जो बाहर गए थे कैम बैक ओके दिस ही डिस्प्लेड एक्सट्रॉडनरी जेस्टर ऑफ गुडविल बायोइंग ऑल दोज हिंदू कन्वर्ट्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम अंडर एनी कंडीशन उसने बोला कि आप दोबारा से अपने अपने रिलीजन में जा सकते हो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी वेरी फ्यू यू कैन से दैट अगेन वेंट बैक टू देर ओरिजिनल फेथ बिकॉज बींग मुस्लिम देर वर सर्टन यू कैन से से दैट दैट गिवन यू कैन फैसिलिटीज सेन गिवन अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब्स तो बड़े सारे लोग नहीं हुए दोबारा से बट कुछ लोग जो है वो वापस चले गए ओके उलेमास वंस हुई कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस वर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर ऑफ अरासिंग ब्राह्मण The Sultan was always eager to make due inquiries about the welfare of his subject. So you can say that his religious toleration, jo hai, it was broad or equaled beyond imagination. Okay, so he was a tolerant ruler, no doubt about that. The principle of merit was extended to the recruitment of, of personal. फॉर द स्टेट सर्विस तो पहले क्या था एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को फेवर किया जाता था नी मिडिवल दौर में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम रूलर्स ही करते थे बड़ी सारी जगह हम देखते हैं कि पर्टिकुलर फेथ है बुद्धिस्ट है ब्राह्मण है वो पर्टिकुलर फेथ को जो है वो क्या करते थे सपोर्ट करते थे ओके इज पर्सनल कंसल्टेंट दैट इज श्रिया बट करपुर भट्ट वाज़ किंग पर्सनल कंसलटेंट वाज़ श्रिया भट्ट पर्सनल फिजिशियन एंड रुपया तो आप देख सकते हो उसके जो क्लोज थे देवर हिंदूजर ब्राह्मण श्रेया भट रुपया और यू कैन से दैट करपुर भट्ट ओके भाई नहीं थे ये सारे अलग अलग है श्रीवर जिसने राय तंगनी लिखी श्रीवर स्पीक्स ऑफ सुल्तान एक्सट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट इन द सेलिब्रेटेड सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसोफी तो इन एंशियंट टाइम पीरियड में देर आर सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं शाद दर्शन फिलोसफी ओके okay? हम पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया में जब हम करेंगे तो सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी का सुल्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है ये कौन कौन सी है दैट इज न्याय फिलोसफी दिस इज आगे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट न्याय फिलोसफी किसने दी गौतम ने दी, दी. वैशिष्का फिलोसफी कन्नाद ने दी योग फिलोसफी पतांजलि ने दी सांख्य फिलोसफी कपिल मुनि ने दी वेदांत फिलोसफी बद्रियान ने दी मीमांसा फिलोसफी जयमिन ने दी सो दिस फिलोसफी देर प्रीच आर यू कैन सेट वॉज यू कैन से दैट दे सुल्तान जैन उल आबद्दीन एड शोन हिज ग्रेट फेथ इन दिस फिलोसफी एंड ऑफकोर्स ही पार्टिसिपेटेड हिंदू फेस्टिवल दिवाली जो है इसका आगे इन इस का एक बड़ा फेवरेट फेस्टिवल था अकबर का भी दिवाली जो है वो बड़ा फेवरेट था ओके ही रेगुलरली पेड विजिट टू द हिंदू श्राइन्स और ऐसा बोला जाता है वो अमरनाथ यात्रा भी गया था ही आल्सो अंडरटook पिलग्रिमेज टू द होली श्राइन ऑफ अमरनाथ केव दैट वाज जैनुल अबदीन ओके ही ह इज लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ गीत गोविंद गीत गोविंद जो है ये आपका एक राइटर था जिसका नाम था जयदेव सो so, जयदेव जो है ही वॉज दर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्ण तो लॉर्ड कृष्ण की प्रेज में उसने किताब लिखी गीत गोविंद तो so, गीत गोविंद जो है उसको बड़ी पसंद थी गीत गोविंद जो है जब गाई जाती थी म्यूजिक कौन देता था श्रीवर तो ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ गीत गोविंद ओके देन पेट्रोनेज टू लेटर्स एंड एजुकेशन ही वॉज सपोर्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स

मौलाना कबीर मौलाना नादरी जोना राजा श्रीवर एंड योद्ध भट्ट एंड नाथ सोम पंडित ये सारे लोग जो हैं इसके कोर्ट में थे देवर गिवन पैट्रोनेज बाय जैनुल आब्दीन जोना राजा रोट सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगनी अप टू 1458 और उसकी डेथ के बाद जो है श्रीवर ने किया स्टारडिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं द्वितिया राजतरंगनी एंड तृतीय राजतरंगनी दैट वाज रिटन बाय श्रीवर नाथ सोम पंडित रोट जैन चरित्र इन कश्मीरी लैंग्वेज इसकी बायोग्राफी थी जैन चरित्र

शाहनामा जो है ऐसा बोला जाता है शाह नामा इज अ नेशनल एपिक ऑफ ईरान ऐसा बोला जाता है शाह नामा जो है महमूद अफ गजनी की बायोग्राफी भी माना जाता है ओके सो इन द लाइंस ऑफ शाह नामा वटर रोट जैन विलास जैन विलास उसने किताब लिखी दैट इज बट वटर ने किताब लिखी कंटेनिंग द ऑफ कैन तो थी, थी, किस, किस, uh, 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 से आई शाह नामा से okay? मोहम्मद एंड मुल्ला नादरी वर आल्सो ग्रेट हिस्टोरियन ईच वन ऑफ देम रोट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन परशियन लैंग्वेज ओके अ फुलेशन डिपार्टमेंट वॉस स्टैब्लिश बाई सुल्तान मुल्ला अहमद ट्रांसलेटेड महाभारत दस अवतार दस अवतार किताब जो है ये लिखी किसकी किताब थी बेसिकली एंशियंट टाइम पीरियड की दंडिन की दंडीन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ओके महाभारत को ट्रांसलेट किया गया दस अवतार को ट्रांसलेट किया गया और राजतरंगनी को भी ट्रांसलेट किया गया

आर्टिस्ट जो है लोग जो है आर्टिस्ट लोग जो थे वो सुल्तान जैन उला को क्या बोलते थे विश्वकर्मा विश्वकर्मा बोलते थे उसको ओके तो विश्वकर्मा बेसिकली क्या है हिंदू धर्म के अनुसार विश्वकर्मा जो है जितने भी लोग हैं उनका गॉड है ओके आज जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते जितने भी मिस्त्री लोग होते हैं जो हाथ से काम करते हैं उनका जो भगवान जो है उसको विश्वकर्मा बोला जाता है बिकॉज uh, पेट्रोने जो है वो दैट वॉज गिवन बाय the Zainul Abidin. Okay, descended on earth. Some people some people called him Goraknath. कई लोग उसको Goraknath बोलते थे. Chemist जो हैं जो alchemist थे उसको Nagarjun बोलते थे. So he was a very popular. He was very scientific. Okay, Kashmiri made tremendous progress in glass blowing, wood carving, book binding. Why? इसको मैंने highlight इसलिए किया हुआ है. ये question आता है कि book binding का काम किसके time period में start हुआ? Zainul पेपर मेकिंग सिल्क शॉल दैट इज पश्मीना शॉल कारपेट वेविंग ये सारा जो है जैनुल आपदिन के टाइम पीरियड में जो है वो स्टार्ट हुआ ओके okay? ही डिप्यूटेड आर्टिजन एंड टू समरकंद समरकंद में लोग भेजे बोखरा में लोग भेजे खुरासान ईरान में लोग भेजे कि भाई स्टोन का काम सीख के आओ ग्लास मेकिंग का काम टेक किया हो पॉलिशिंग का काम सीख किया हो पेपर मेकिंग का काम सीख किया हो कारपेट बनाने का काम सीख किया हो ka सो so, ये सारी जो है देवर ऑल गिवन पेट्रोन एज पाए जैन उलाब्दीन ओके सुल्तान टर्न कश्मीर इंटू स्माइलिंग गार्डन ऑफ इंडस्ट्री ये आल्सो इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ फायर वर्क पटाखे वटाखे जो है ये भी जैन आब्दीन ने जो है वो सीखा लोगों को भेजा सीखने के लिए ओके सो ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर

ओके द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो है जेन उलाब्दीन की वो ये है ही क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल आइलैंड जेन लंका का कहाँ पे वुलर लेक में जो आज की डेट में भी है ही बिल्ट अ पैलेस मॉस्क एंड गार्डन देयर द सुल्तान आल्सो बिल्ट टू अदर आइलैंड्स देयर सोना लंग रूप लंग ओके इन हिज कैपिटल सिटी श्रीनगर ही बिल्ट द फर्स्ट वुडन ब्रिज जिसका अभी भी रिमेन जो है अभी भी है श्रीनगर में जेन कदल सो पैशन फॉर आर्किटेक्चर देन अगेन ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ म्यूजिक एंड डांस Sultan was fond of poetry and music. He himself was a poet and composed lyrics. Okay, Oad Bhatt and Shrivar were two popular Kashmiri musicians in his court. The former, that is Odhbhat, wrote a book on music entitled Zain. while the latter was known as Handling of Lute. Lute Joha is a musical instrument. So Shrivar was expert in lute, and other Odhbhat he was a writer.

शाहनवाज तो ये सारे जो है म्यूजिकल टोन जो है राग जो हैं इरानियन राग जो है कश्मीरियों ने सीखा किसकी मदद से जैन की मदद से festivities प्रोमोटेड fireworks फेस्टिविटीज एंड फायर वर्क तारा एंड उत्सव dancer टू ग्रेट फीमेल डांसर ऑफ हिस Now तारा एंड उत्सव mean सी say आई मीन टू से मच इन डिटेल बट ये है इट इज वन फॉर ऑल यू डोंट नीड टू एनी बुक्सिन शाही इज अ क्रॉनिकल ऑफ मिडीवल कश्मीर दिस वॉज रिटन बाई एनोम अनोनिमस राइटर अराउंडीन 1614 वाई आई रोट दिस बुक बिकॉज ये जितना भी उसका जो म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन है आर्ट की कंट्रीब्यूशन है कल्चर की कंट्रीब्यूशन है तो हमें सोर्स मेन क्या है बारिस्ताने शाही तो इसका राइटर अभी तक पता नहीं चला है ओके सो देन मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ जैन मिलटीवेंट री ऑर्गेनाइज इज आर्मी विच सफर्ड इन डिसिप्लिन एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ इीड्यूसर उससे पहले जितने भी लोग थे उनके पास इतना सामान नहीं था तो आदमी बड़ा इनडिसिप्लिन था ही इंट्रोड्यूस गन पाउडर एंड एस्टैब्लिश आर्टिलरी डिविजन इन आर्मी गन पाउडर इंडिया पैन इंडिया लेवल में जो है बाबर ने लाया 1526 में ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत लेकिन जैन दीन ने कश्मीर में गन पाउडर का कॉन्सेप्ट पहले ही ले आया था गन पाउडर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था चाइना से

सैयद मलिक हुसैन ही री ऑल द एरिया ओके जोना राजा रोड सेकंड पार्ट ये लिख चुके हैं अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, जेन आब्दीन वन विक्ट्री ओवर और खान ऑफ़ काशगर खाश्र जो है एक चाइनीज़ टेरिटरी है कुछ लोग बोलते जैनदीन ने वो एरिया भी कैप्चर किया ही हैड अ फ्रेंडली रिलेशन विद खोकर लेटर ऑन खोकर के साथ फ्रेंडली रिलेशन हो गए सुल्तान पहलो लोदी के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन थे उस टाइम इंडिया में लोदी डायनेस्टी थी सुल्तान मोहम्मद बागरा गुजरात के साथ भी अच्छे थे जाम निज़ामुद्दीन ऑफ सिंध तो ग्वालियर सो ही हैड अ गुड फ्रेंडली रिलेशन और फॉरन रिलेशन

दिस इज द इंटायर कंट्री इसको दोबारा से यूनिट में किया परगना परगना को नीचे किया विलेज में जिस जैसे आई की डेट में क्या है देर इज स्टेट देर इज डिस्ट्रिक्ट देर इज तहसील एंड देर इज विलेज सो इसने क्या किया माइन्यूट तरीके से जो है वो डिविजन की साइंटिफिक पैटर्न से साइंटिफिक पैटर्न का यहाँ पे मैं मतलब ये है कि यहां पे पहले लैंड मेजर की गई फिर जो है रेवन्यू स्टेट ने डिमांड किया लमसम नहीं किया ओके दैन टू प्रमोट द एग्रीकल्चर ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स मैनी कैनाल बहुत सारी कैनाल्स बनाई मॉडर्न टाइम पीरियड में रणवीर सिंह ने कैनाल्स बनाई ओके देर वॉज डोगरा रूलर रणवीर सिंह रणवीर सिंह ने बनाई और मिडिबल टाइम पीरियड में जैन उबदी ने सो ओके कापुर कनाल करला कनाल चकदार केनाल अवंतीपुर कनाल शाहकुल कनाल मारकनाल ओके टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एमाइन सुल्तान टूक वेरियस मेजर्स टू एलिवेट दफरिंग ऑफ एमाइन स्टिकन पीपल समी एस सिस्टम ओके राशनिंग सिस्टम लोन भी दिया इसने ओके ही दे रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द स्टेट ऑन कल्टिवेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोन टू द नीडी पीपल ओके सो व्हाई ही वाज़ अकबर ऑफ कश्मीर अकबर का टाइम पीरियड जो है वो ये है ओके व्हाई बिकॉज ड्यू टू हिस लिबरल रिलीजियस पॉलिसी

आल दो, बाद में आया ये पहले आया ओके okay. सो so, लेकिन जब हम अकबर की बात करते हैं पैन इंडिया लेवल की बात करते हैं सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जैन इज वेरी वेरी पॉपुलर ओके सो वट अबाउटीन के बाद, में? के बाद में क्या हुआ death, रूलर आफ्ट डेथ ऑफ जैन उल आब्दीन आफ्टर हिज डेथ सुल्तान हैदर शाहेम द रूलर name, और हाजी खान तो यहां पर ये सारे रूलर आपके आए तो इनको याद करना is not important. ओके okay, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देर वॉज अटैक ऑफ मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर को इन्वेट किया दैट वॉज प्रमिनेट इवेंट मिर्जा हैदर दुगलत जो है ही वॉज कजन ऑफ बाबर बाबर का कजन था इसने किताबें लिखी थी तारीख रशीदी पहले हमने डिस्कस किया था सोर्सिस में तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट और इसके बाद जो है शाह मीर डायनेस्टी के बाद आती है चक डायनेस्टी ओके चक रूलर्स आते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चक पे ही होगा सो इज वेरी पॉपुलर ही टाइम पीरियड जो है लेके से ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाहजहां ऑफ कश्मीर जैन उल आब्दीन रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेशन जैन पेटोने टू लिटरेचर जैनुलाब्दीन जो है दट इज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर लॉ एंड ऑर्डर लव फॉर म्यूजिक ओके पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल ओके मेट्रीमोनियल रिलेशन पीसफुल फॉरेन पॉलिसी

like subscribe and watch history fox channel uh, share it with at least 100 percent to take a holy pledge and share it with maximum people thank you so much and jai hind bye